नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मंगलोर के गुरुकुल लार्सन इंटर कॉलेज में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की। इस मौके पर उत्तराखंड सरकार की महिला व बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के सामने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश में एक प्रधान, एक विधान, एक निशान के मुद्दे और भारत की अखंडता को लेकर अपना बलिदान दिया था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर सत्याग्रह के लिए अभियान शुरू किया। इसके लिए उन्हें जान भी देनी पड़ी। कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर एक देश में एक प्रधान, एक विधान, एक निशान की भावनाओं को सम्मान करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की एनडीए सरकार ने किया है। ये कश्मीर देश की अखंडता और सीमा की सुरक्षा के लिए बलिदान देने वालों की प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। वहीं मंगलोर उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार मंगलोर में कमल अवश्य खिलेगा। आज जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। निश्चित रूप से उनका जो बलिदान एक राष्ट्र, एक विधान, एक संविधान, एक निशान है, किस प्रकार से उन्होंने यह नारा दिया और उस नारे को किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको एक रूपता दी, यानी कि एक राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में भारत को स्थापित करने का काम किया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाकर इसको चरितार्थ करने का काम किया। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान से हर एक कार्यकर्ता, हर एक नागरिक यह सीखता है कि जब जब राष्ट्र को आपकी ज़रूरत हो तो समर्पण कैसे किया जाता है। आप बलिदान जब देते हैं तो लोग आपके प्रति या राष्ट्र को क्या उसके प्रति भाव अभिव्यक्ति होती है, यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से सीखा जा सकता है। हम सब लोगों ने आज उनके इसी बलिदान के प्रति अपने भाव को श्रद्धा सुमन के रूप में हमने अर्पित किया है। निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता राष्ट्र को अपना जीवन समर्पित करेगा। हर कार्यकर्ता राष्ट्र हित में जो वो अपनी ओर से एफर्ट्स कर सकता है वह एफर्ट्स जो है वह अपने जीवन में करेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार इतिहास रचती भी आई है। लोग कहते थे कि कभी धारा 370 नहीं हटेगा, आर्टिकल 35 ये नहीं हटेगा। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने ही हटाया है। लोग कहते थे कि राम मंदिर जो है केवल एक ख्याली बुलाव है, चुनावी मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी ने वह भी करके दिखाया है। ठीक इसी प्रकार से लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या उत्तराखंड में एक सरकार जब इनकी होती है तो अगली सरकार उनकी नहीं लौटती है, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर के प्रचंड बहुमत के साथ पहुंचाया है। ठीक इसी प्रकार से यह विश्वास हमको इस उपचुनाव में भी, मंगलौर के उपचुनाव में हमको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी का लगा हुआ है, जिस प्रकार से कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जिस प्रकार से जनमानस लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति एक अनुकूल वातावरण है। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जिस प्रकार के कार्य हैं, उन कार्यों पे मोहर जो है मंगलौर विधानसभा में आपकी बार इस उपचुनाव में लगेगा। और निश्चित रूप से यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।